अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी और चिकन की कड़ी की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दो प्याज लिया है, उसको मिक्सर में अच्छा पेस्ट बना के लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची, थोड़ा सा कोथमीर डाल के ये भी पीस लिया है हमने, और एक टमाटर को भी पीस के लिया है हमने। अच्छे से पेस्ट बनाना है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। और यहाँ पे देखिए, एक प्रेशर कुकर को मैंने अच्छे से गरम किया है और 100 ml मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। तेल अपने हिसाब से लीजिए जितना आप तेल खाते हैं, और मिर्चें भी अपने हिसाब से लीजिए जितना आप तेज़ खाते हैं वो हिसाब से लीजिए। कुछ खड़े गर्म मसाले मैंने इसमें ऐड किया है, और 3-4 सेकेंड के बाद में मैंने वो ऑनियन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे से हम इसको भून के लेंगे, कलर चेंज करके लेंगे हम। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा उतना हम पका के लेंगे। 1/2 किलो चिकन है, देखिए अच्छे से बड़े बड़े पीस किया है हमने, साइड में रखेंगे। यहाँ पे अच्छे से प्याज को हम ब्राउन करके लेंगे। देखिए अच्छे से ब्राउन करना है प्याज को, देखिए इतना अच्छा भून के लेना है। टमाटर का पेस्ट, मिर्ची, कोथमीर का पेस्ट, अदरक लहसुन सब इसमें हम ऐड करेंगे, और अच्छे से हम इसको भून के लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसको भुनेंगे। हम अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची इसमें ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिए। देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है, जो सूखे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भून के लेंगे। बहुत झटपट से ये कड़ी बन जाती है, तो ज़रूर आप भी ट्राई करिए, और बहुत मज़े की बनती है। रोटियों के साथ में आप सर्व करिए, और रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यहाँ पे देखिए अच्छे से मसाला भुन चुका है, बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनते जाएंगे मसाले के साथ में चिकन को, और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करते रहेंगे। अब इसको पतीली में भी बना सकते हैं, हमने प्रेशर कुकर में बनाया है। तेल भी अपने हिसाब से आप इसमें ऐड करिए, अगर आप ज़्यादा तेल खाते तो तेल ज़्यादा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 गिलास इतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे और उसको कवर कर देंगे। अब प्रेशर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही कवर ऊपर हम करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम। कवर कर देंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके लिया है। बस थोड़ा सा हेड और साइड से टेल हम निकाल देंगे, और अगर बहुत बड़ी है तो आप 2 पीस कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसा कट करके पूरा लिया है। एक कढ़ाई हमने गरम करने रखा है, 1 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड किया है। तेल अच्छा गरम हो जाएगा तो हम इस पर पूरी भिंडी ऐड करके फ्राई कर लेंगे।
अच्छे से फ्राई करेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से फ्राई करके लेंगे हम। फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में भिंडी का। और यहाँ पे देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है और अच्छे से सालन पक चुका है। देखिए 80% तो पक चुका है, अब 20% भिंडी के साथ में ये सालन तैयार होएगा और भिंडी भी इसमें इसके साथ में पक जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से भिंडी हो चुकी है, अच्छी फ्राई हो चुकी है। हम 1/2 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से भून चुका है ये, और इसको हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आसपास हम पानी इसमें ऐड करेंगे, जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 2 सीटी आने तक, और फिर हम सीटी बन करके आपको डिश आउट करके भी बताते हैं। थोड़ा ही पानी डाला है, 1/2 ग्लास इतना। कवर करके आपको 10 मिनट से हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। कि सीटी हो चुकी है, हम आपको खोल के बताते हैं। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये कड़ी बन के तैयार हुई है, ज़रूर आप भी ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी सी हम कोथमीर भी इसमें डालेंगे, आपको डिश आउट करके बताते हैं। देखिए हमने डिश आउट किया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। चलिए अल्लाह हाफिज़।